गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड, जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मैं बच्चों को घुमा रही हूँ, लेकिन बच्चों का जो मन है ना वो भरता ही नहीं। बोलेंगे कहाँ लेके जा रही हूँ। उनको रोज़ कहीं ना कहीं घूमना होता है। तो आज हमने प्लान किया है एक जू में जाने का, जो कि मुंबई में भाईखल्ला में, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा जू है। तो हमने कहा चलो ठीक है, वहीं पर चल जाते हैं। तो मेरा जो घर है वो है मीरा रोड पे, और जहाँ हमें जाना है वो है भाईखल्ला। तो डिस्टेंस है 1.5-2 घंटे का। तो सबसे बेस्ट हमारे लिए होगा लोकल ट्रेन, और मुंबई की लोकल ट्रेन तो आपको पता है कितना फास्ट है। तो इसलिए हम चले अब स्टेशन पर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले टिकट को निकाला और पकड़ ली अपनी लोकल ट्रेन। तो हमें तो बच्चों को लेकर लेडीज़ में बैठ गई, और बाकी लोग जो थे वो लोग जेंट्स में गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा है, भीड़ तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि 1 बजे का टाइम है, तो इतनी भीड़ नहीं होती है। तो फिर आराम से हमको बैठने को मिल गया, और हमने आराम से ट्रेन को पकड़ के आराम से हम बैठे हुए हैं। हमने फास्ट ट्रेन पकड़ी है जो कि बहुत ही जल्दी हमें पहुंचा देगी, हमें 1 घंटे के अंदर हमारी जगह पे हमें पहुंचा देगी। क्योंकि फास्ट ट्रेन से वो हर स्टॉप पर रुकती नहीं है, बस मेन स्टॉप पर रुकती है। तो फटाफट से हम 1.25 घंटे या 1 घंटे में हम अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे, हम भाईखल्ला पहुँच जाएंगे। जाना तो हमें भाईखल्ला है, लेकिन हम उतरेंगे मुंबई सेंट्रल में, फिर वहाँ से हम अपना कैब कर लेंगे, तो वो हमें इजी पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें भाईखल्ला जाना है तो फिर हमें ट्रेन को चेंज करना पड़ेगा, तो वो झंझट कौन पालेगा। तो इससे अच्छा बेहतर है कि हम मुंबई सेंट्रल में उतर जाएंगे और वहाँ से हम लोग अपना कैब कर लेंगे, तो बस ईजिली हम पहुँच जाएंगे फटाफट 5 से 10 मिनट में। तो बस हम मुंबई सेंट्रल पहुँच चुके हैं और हम अब ट्रेन से उतर चुके हैं। तो ये मुंबई सेंट्रल का स्टेशन है, तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा स्टेशन है, क्योंकि ये बड़ा स्टेशन, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें जो अलग अलग जाती है। तो ये हमारा ये स्टेशन है, आप देख लीजिए। तो बस अब इससे हमें बाहर निकलना है, बाहर निकलकर हम अपनी कैब को कर लेंगे, तो फटाफट हम पहुंच जाएंगे। तो लोकल ट्रेन से हम लोग इसलिए गए क्योंकि एक तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और सेकंड थिंग ये बहुत ही सस्ता होता है। अगर मुंबई में अगर हम कहीं भी ट्रैवल करें तो लोकल ट्रेन है जो सबसे सस्ता वे है हमारे ट्रैवलिंग करने का। तो बस हम अपनी कैब को लेकर पहुँच चुके हैं अपनी जगह पर। यह है भाईखल्ला का जू, जो है रानी बाग। तो ये जू में तो मैं पहले भी बहुत बार जा चुकी हूँ, लेकिन अपने बचपन में। अब तो ये टोटली फुल्ली चेंज हो चुका है, और इतना बड़ा है कि अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम बस उसमें गोल 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 घूमते ही जाएंगे। तो सबसे पहले इससे अच्छा था हमने क्या किया, वहाँ पे अपने को मैप भी दिया हुआ है, तो हमने पहले मैप का एक पिक ले लिया कि उसी के अकॉर्डिंग हम घूमेंगे। अदरवाइज ये तो हम गोल 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 घूमते रहेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे जाना है। पहले तो हमने मैप को यूज़ नहीं किया कि चलो एक साइड से जाएंगे तो सब सेम, मतलब हम लोग घूम सकते हैं, मिल जाएगा सब। लेकिन बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो हम लोग गोल 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 घूम रहे हैं। तो हमने कहा भैया इससे अच्छा है मैप को ही यूज़ कर लो, नहीं तो हम लोग ऐसे ही गोल 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 घूमते रहेंगे और कुछ देख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा एलिफेंट को, लेकिन वो एलिफेंट बहुत दूर था, एकदम किनारे जाके खड़ा था, और वो इस तरफ आ ही नहीं रहा था। तो बहुत कोशिश किया कि आए, लेकिन वो इस तरफ नहीं आया। तो फिर हमने बस इतनी दूर से उसको देख के, और सेकंड हम बहुत एक्साइटेड थे लायन को देखने के लिए, लेकिन जब वहाँ पर हम गए तो वहाँ पे लिखा था थाम्बा अमीला को रेता है, हमारा पोपट हो गया। फिर उसके आगे हम लोग यहाँ पर टाइगर को देखने गए, लेकिन बाय गॉड क्या टाइगर था यार, इतना बड़ा था, मैंने तो फर्स्ट टाइम इतने नज़दीक से देखा। तो घूमते हमको लगी भूख, तो हम लोग घर से बना के ले गए थे पोहा और साथ में ये दम आलू। तो फिर हमने थोड़ा बहुत इसको खाया, और फिर इसके बाद हम पार्क में थोड़ा सा बच्चे लोग खेलने लगे और हमने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि हम लोग भी गोल गोल घूम के बहुत थक गए थे। तो बच्चों को यहाँ पर हमने खेलने को छोड़ दिया और हम साइड में कुर्सी पर बैठ गए, थोड़ा सा रेस्ट हो जाए। और जब हम गार्डन पर बैठे तो फिर वहाँ पर हमें बहुत आवाज़ आ रही थी, चीं चीं चीं। तो हमको लगा शायद मंकी या फिर कोई जानवर होगा, मंकी हमको लगा, शायद बंदर होगा। फिर हमने बहुत ढूंढा था, हमें बंदर वगैरह तो नहीं दिखे, लेकिन जब हमने अपना सर ऐसे ऊपर किया तो हमको पेड़ पर दिखाया गया, इतने सारे चमगादड़ थे वहाँ पर लटके हुए थे पूरे पेड़ में, कि बाप रे सारी सब चमगादड़ लटके हुए पेड़ में, कि बाप रे इतने सारे, अगर ये एक साथ उड़ जाए तो क्या हो जाएगा। इतने सारे थे ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, सारे के सारे बड़े बड़े थे। तो फटाफट से हमने उसका भी पिक ले लिया और हम क्या चलो यहाँ से 9:00-11:00 हो जाओ। और बच्चे थे वो चलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको तो बहुत इंजॉय हो रहा था सब गेम वगैरह, मतलब खेलने के लिए, झूला वगैरह झूलने के लिए। और यहाँ पर इन तीनों कार्टून को देखो, ये लोग इसके अंदर घुस के बैठे, और हम लोग ढूंढ रहे हैं कि ये लोग गए तो गए कहाँ, और ये लोग इसके अंदर घुस के बैठे हैं मस्त अपना घर बना के। जबरदस्ती इनको लिया, और हमने कहा चलो पहले और भी कुछ जानवर को देख लेते हैं, अदरवाइज हमारा आना भी वेस्ट होगा, सिर्फ अभी तो 2 ही 3 को देखा हो गया है। फिर जबरदस्ती इनको लेकर हम लोग आगे गए, तो यहाँ पर हमने देखा भेड़िए को जो कि अपनी गुफा में था, उसके बाद वो आया, वो आ रहा है जा रहा है, जब वो आता है तो पब्लिक क्या आवाज़ करती है, तो सब लोग देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद हमने ये पेड़ को देखा जिसमें फीक लगा हुआ था, और फिर उसके बाद हम और आगे चलते गए चलते गए चलते गए। अगर हम मैप यूज़ ना करते तो हम भी गोल गोल घूमते। ये पूरा गुलाब का मतलब ये है, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुलाब हैं।
है। फिर उसके आगे हमने ये हिरन को देखा, यहाँ पे भी बहुत सारे हिरन थे और सबके सब मतलब कांच में बंद थे, मतलब सबका एक अपना अपना अलग अलग जगह बनी हुई थी। फिर हम सबसे जो हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए हम एक्साइटमेंट है वो था पेंगुइन। हम अब गए आगे पेंगुइन को देखने के लिए क्योंकि यहाँ पर न्यूली पेंगुइन आया हुआ है, तो हमको बस उसको ही देखने का ज़्यादा क्रेज था देखने के लिए। और सब एनिमल्स को तो हमने बहुत बार मतलब देखा हुआ ही है, लेकिन पेंगुइन को तो हमने फेस टू फेस कभी देखा नहीं था, तो हमको उसी को देखने का था। तो इसका भी पर हेड 50 रुपीज़ टिकट एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन जिस दिन हम लोग गए थे तो हम लोगों का टिकट वगैरह नहीं लगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने सारे मतलब पेंगुइन हैं और ये पूरे कांच के अंदर बंद है और इसमें पूरे बर्फ लगे हुए हैं। यहाँ पे पूरा पानी है, पूरा आइस है और यहाँ पे फुल्ली मतलब ये एसी से फुल्ली लोडेड, क्योंकि यहाँ पर इसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए एकदम से। ये पूरा पूरा आइस पूरा लगा हुआ है, पूरा आइस जमा हुआ है, एकदम ठंडा ठंडा है। तो आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पेंगुइन के, कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। तो इसको देख के तो फिर मन बहुत खुश हो गया कि चलो आना हमारा वेस्ट नहीं हुआ, इतना अच्छा लग रहा था इन लोगों को देखने के बाद। को यहाँ पर देखने के बाद तो एजल भी जिद करने लगी कि मेरा कपड़ा होता और मुझे भी इसमें नहाना है, इन के पास जाना है। वहाँ पे जिद करके बैठ गई कि मुझे नहाना है, कपड़ा होता और मुझे भी अंदर जाना है। तो वो सब हमने देखकर अब हम लोग बाहर निकल गए। थोड़ा कुछ हमने खाया पिया क्योंकि अब भूख फिर से वापस से लग गई थी, तो बच्चों को कुछ आइसक्रीम वगैरह हमने खिला दिया। फिर आगे उसके हम गए और यहाँ पर है ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के मतलब बर्ड्स थे, अलग अलग प्रजाति के, नहीं कहते कि पैरट थे, मोर थे और वो कबूतर थे, मतलब बहुत सारे अलग अलग दिखने वाले बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे बर्ड्स थे, बहुत बड़े बड़े भी थे। और इनके लिए ना यहाँ पर ऐसा नेट लगा हुआ है ताकि ये लोग ना उड़ के कहीं जा ना सके। फिर उसके आगे हम और गए तो यहाँ पर हमने तितलियों का वो देखा, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की तितलियाँ रहती है। आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी तितली रहती है। फिर इसके आगे है ना यहाँ पे क्रोकोडाइल के लिए बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा बना है यार। इतना मतलब इतना इसका कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा रहा कि आपको लगेगा नहीं कि आप क्या हो, कहाँ पर हो, अलग ही मतलब लगता है। बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल का बनाया गया, बहुत अच्छा। और बल्कि यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्शन अभी चालू है, लेकिन ये भी ना बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप देखोगे तो आपका भी दिल है ना बहुत खुश हो जाएगा देख के। तो पहले तो ये ऊपर हम गए देखने के लिए, यहाँ पे तो पहले आर्टिफिशियल सारे क्रोकोडाइल बने हुए थे, फिर ये अंदर है, ये अंडरग्राउंड है। आप यहाँ पे देखोगे ना अंडरग्राउंड पूरा, यहाँ पे भी पूरा कांच लगा हुआ है, पूरा मतलब पानी भरा हुआ है। ये तो सब तो आर्टिफिशियल है, लेकिन अंदर जो है वो ना असली असली है। ये अंडरग्राउंड बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे जाके। एक तो पेंगुइन को देखकर और सेकंड ये क्रोकोडाइल का एरिया देखकर बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन भी चालू है, यहाँ पर ये और भी बन रहा है, लेकिन जो पहले का भी बना हुआ है ना वो भी बहुत अच्छा है। मेरे बचपन में तो ऐसा कुछ बना नहीं था, ये सब नया बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। ये पूरा एरिया उन्होंने रखा है क्रोकोडाइल के लिए। और सच में अगर आप भी जाओगे, अगर आप मुंबई में आए हो घूमने के लिए, तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर जाइए रानी पार्क, क्योंकि आपके आपको और आपके बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर यहाँ सब घूम कर हम फिर वापस से गए रिटर्न, और फिर हमको वापस से भूख लगी तो हमने कुछ यहाँ पर खाया वगैरह सब कुछ किया। और अभी मेरा आधा पार्ट बाकी है, अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो फिर मैं सेकंड पार्ट इसका लाती हूँ, क्योंकि अभी आधा ही पार्ट है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं वापस से लेके आऊँगी। जब तक आप इसे इन्जॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।